क्वेश्चन में हमें एक लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हम 1300 के साथ ऐड करें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, और फिर हमें उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 1300 का स्क्वायर रूट फाइंड करके चेक कर लेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या फिर लॉन्ग डिविजन। अब देखो, यहाँ हमें एक नंबर ऐड करना है तो यहाँ हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं यूज कर सकते, तो हम यूज करेंगे लॉन्ग डिविजन। तो हम लॉन्ग डिविजन से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। लॉन्ग डिविजन में पहले हम नंबर को पेयर्स में डिवाइड करते हैं फ्रॉम द राइट, तो ये एक पेयर, ये एक पेयर। अब हम एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसका स्क्वायर या तो 13 के इक्वल हो या 13 से लेस हो। अब देखो, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब 16 तो बड़ा है 13 से, तो इसको नहीं ले सकते, तो हम लेंगे 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 और यहाँ 9, इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये पेयर नीचे आएगा तो ये हो गया 400। अब यहाँ आएगा 3 का ट्वाइस विच इज 6, और यहाँ हम एक डैश लगा देंगे। अब इस डैश में एक ऐसा नंबर आएगा कि इसको हम उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें या तो 400 मिल जाए या 400 के नियर इससे कम कोई नंबर मिल जाए। तो पहले हम 64 इंटू 4 करके देखते हैं। 4 से 16, 6 से 24 प्लस 25, ये तो कम है 400 से। अब 65 इंटू 5 करते हैं, 55 से 25, 65 से 30 प्लस 32, अभी भी कम है। 66 इंटू 6 करेंगे तो 66 से 36, 66 से 36 प्लस 39। अब देखो, यहाँ आ रहा है 396, और यहाँ हमें 400 से लेस एक नंबर फाइंड करना है। अब अगर हम 67 इंटू 7 करने जाए तो वो 400 से बहुत बड़ा आ जाएगा, तो यहाँ हम 66 ले लेंगे 396। इसको माइनस करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 4। अब रिमाइंडर आ रहा है तो 1300 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। पहले इतना लिख लेते हैं। अब देखो, यहाँ हमें फाइंड करना था एक नंबर जिसको हम ऐड करें तो एक परफेक्ट स्क्वायर बने। अगर हमें माइनस करना होता तो हम इजीली इस रिमाइंडर को माइनस कर देते, पर यहाँ हमें ऐड करना है। अब देखो, जब हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे 1300 का, तो यहाँ हमें 36 मिला था और यहाँ रिमाइंडर 4 आया था। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1300 लाइक करता है 36 के स्क्वायर और 37 के स्क्वायर के बीच में। अब देखो, 37 का स्क्वायर होता है 1369 और 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो 1300 1369 के क्लोजेस्ट है। तो अगर हम 37 के स्क्वायर से 1300 को माइनस कर दे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जिसको हम ऐड करने से 1300 एक स्क्वायर बन जाए। तो अब हम 37 के स्क्वायर से 1300 माइनस करके नंबर फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ से वो नंबर आ जाएगा 1369 माइनस 1300, तो 69। तो 69 आ गया हमारा नंबर। अगर हम 69 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर बनेगा 1369। अब हम चेक कर लेते हैं कि 1369 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसको चेक करने के लिए फिर से हम लॉन्ग डिविजन करेंगे। तो 1369 को अगर हम लॉन्ग डिविजन से स्क्वायर रूट फाइंड करें तो ये हो गया एक पैर, ये एक पैर, ये हो जाएगा 3 3 9, तो यहाँ आएगा 4 और ये आ गया 69। अब ये यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 3 6 और यहाँ एक डैश। अब 66 हमने फाइंड किया था, 6 6 36 6 6 36 396। अब 469 से 396 छोटा है, तो अब हम 67 इंटू 7 चेक करते हैं। 7 7 49, 7 6 42 प्लस 4 46, तो यहाँ हमें 469 मिल रहा है और यहाँ भी हमें 469 चाहिए, तो हम करेंगे 67 7 469। तो यहाँ 0 आ गया, मतलब 1369 एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट हमें मिल गया 37। इसको लिख लेते हैं।
ये हो गया 67 7 जा 469, तो परफेक्ट स्क्वायर है 136, नहीं, और इसका स्क्वायर रूट है 37।